यहाँ पे बिल्कुल मतलब बह ही चुका था एकदम, ये रोड कटा हुआ दिख रहा है उस लेवल तक पानी था एंड सारा मतलब मिट्टी के अंदर। तो एक रूम तो ये है अभी पेंसी का, ये रूम है जिसमें एक आपको मिल जाएगा सिंगल बेड एंड एक आपको मिल जाएगा डबल बेड। से अगर आप लोग मतलब ट्रैवल कर रहे हैं सिक्किम में एंड गैंगटॉक में होटल या एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो आप प्लीज मेरे होटल को कंसिडर कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा बहुत ही अच्छा सर्विस देने का आप लोगों को। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन, मैं आपका दीपू सा स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू व्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे 10 में एंड अभी मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी से गैंगटॉक की तरफ। तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। व्लॉग स्टार्ट करते साथ ही मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देना चाहूँगा कि पहला 1 मिनट जो है इस वीडियो का एकदम बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपडेट आपको या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ इस पहले 1 मिनट में। एंड अभी तक टाइटल थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही चुका होगा कि ये वीडियो उनके लिए है जो भी दिसंबर में प्लान कर रहे हैं अपना सिक्किम का टूर। एंड अभी क्या मतलब अपडेट है गैंगटॉक सिक्किम का, सारा कुछ सारा डिटेल्स परमिट से लेके स्नोफॉल कहाँ पे हो रहा है, नॉर्थ सिक्किम का अपडेट से लेके सारा कुछ, होटल्स वगैरह, कैब्स वगैरह कैसे करने हैं, प्राइजेस, टूर पैकेजेस, सारा कुछ आपको जो इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपके भाई ने भी जो है एक होटल ले लिया है गैंगटॉक में, एकदम प्रॉपर गैंगटॉक में MG रोड से बस 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली आप कह सकते हैं 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि आपके भाई ने भी एक होटल ले लिया है एंड मैं अभी अपने होटल रूम में हूँ, तो सबसे पहले क्यों ना आपको होटल का एक छोटा सा टूर दे दिया जाए। तो बहुत ही जल्दी जल्दी इस होटल को रेडी किया है मैंने, रूम्स को रेडी किया है, क्योंकि मतलब एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा था December 2nd week से, लेकिन मतलब आप लोगों का प्यार है जो कि मतलब इतने लोगों ने मतलब फ़ोन किया, इंक्वायरी किया एंड कल 4 रूम्स जो है मतलब मेरे फर्स्ट जो मेरे गेस्ट है वो आने वाले हैं एंड उनके लिए ही मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ सब कुछ रेडी किया। एंड चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले आपको होटल का रूम दिखा देता हूँ बैक कैमरा में फ्लिप। तो एक रूम तो ये है अभी, मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा तो मतलब डिटेल्स में नहीं दिखा रहा हूँ, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये रूम है तो 3 ऑक्युपेंसी का ये रूम है जिसमें एक आपको मिल जाएगा सिंगल बेड एंड एक आपको मिल जाएगा डबल बेड। तो ये लीजिए मैं आ गया अपने 4 ऑक्युपेंसी वाले रूम में, रूम्स देख ही पा रहे हैं काफ़ी स्पेशियस है, बहुत बड़े बड़े रूम्स है एंड एक इसमें है डबल बेड एंड 2 सिंगल बेड है जिसको आप अटैच करके डबल के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी मेरे पास 4 ऑक्युपेंसी वाले रूम है डबल बेड के एंड अगर आप लोग कपल है तो मेरे पास डबल ऑक्युपेंसी वाले भी रूम है, सुपीरियर रूम। ये तो अभी मैंने जल्दी जल्दी करके रेडी किया है रूम, क्योंकि मतलब कुछ हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मतलब आने का ये किया एंड उन्होंने उनके ही बात था कि मतलब आप ही के होटल में रुकना है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए रेडी करवाया है सारा कुछ, बहुत ही रश हो गया। तो कल से मतलब कल तो ऑलमोस्ट 4 रूम फुल है मेरे होटल में एंड फिर आगे जो भी लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एंड बुक करना चाहते हैं रूम को, तो ये रहा मेरा कार्ड, आ रहा होगा अभी आपके मतलब वीडियो की स्क्रीन में कहीं पे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये मेरा कार्ड है, यहाँ पे आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में आके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुकिंग कर सकते हैं इस होटल के लिए। एंड बुकिंग्स ओपन है December-January के लिए, जब भी आप आना चाहें, जब भी मन, अपना ही होटल समझिए, आपके भाई का होटल है ये, तो कोई टेंशन नहीं है, आप आके बुक कीजिए एंड आप आराम से स्टे कीजिए यहाँ पे। इसके अलावा ये होटल जो है एकदम सिटी सेंटर में लोकेटेड है, MG रोड से हार्डली 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये। इस दिसंबर में, क्रिसमस में या न्यू ईयर 1 जनवरी को आ रहे सिक्किम या गैंगटॉक टूर प्लान कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस होटल को कंसिडर कर सकते हैं एज योर स्टे। एंड इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलिए अभी चलते हैं वापस मोटो ब्लॉगिंग मोड में एंड आगे के अपडेट सिक्किम का जो भी है वो मैं मोटो ब्लॉग करते हुए आपको दे देता हूँ। तो इसके बाद जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हो ना हो, व्यूअर हो, कुछ भी हो, अगर आप गैंगटॉक आ रहे हैं तो आपको मतलब होटल के लिए ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा एंड बहुत ही चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस में जो है मैं आपको होटल प्रोवाइड करूँगा, एकोमोडेशन प्रोवाइड करूँगा, ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने का कि जितना भी चीप प्राइस में हो मैं आपको होटल एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अभी वीडियो में
जो आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा विजिटिंग कार्ड, ये कार्ड है मेरा, इसमें से सारा कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं, एड्रेस वगैरह, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, सारा कुछ यही है। एंड अभी ट्रैवल का वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, travelnest.co.in। तो हो सकता है कि अभी मतलब अगर आप इसको सर्च करें तो ना खुले वेबसाइट, क्योंकि अभी जो वेबसाइट डेवलप हो रहा है एंड कुछ टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में। तो यही था मतलब सबसे पहला जो न्यूज़ मैं आपको देना चाहता था कि ऐसे अगर आप लोग मतलब ट्रैवल कर रहे सिक्किम में एंड गैंगटॉक में होम एंड गैंगटॉक में होटल या एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझको जो है कंसिडर कीजिए, मुझको नहीं मेरे होटल को कंसिडर कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा बहुत ही अच्छा सर्विस देने का आप लोगों को एंड एकदम अप टू द मार्क रखने का ट्राई करूँगा, वो भी चीप एंड अफोर्डेबल प्राइजेज में। तो ये हो गया होटल के रिगार्डिंग। अब हम सिक्किम के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, सिक्किम का अपडेट क्या है। तो अभी जो है NH10 से जा रहा हूँ, देखिए पा रहे खूबसूरत सा दिन है, सिलीगुड़ी में मतलब नावर आवर है, गैंगटॉक में जैसे हम जाएंगे तो ठंड लगेगा, अभी एक पतला सा जैकेट पहन के चला रहा हूँ। एंड बहुत ही सुहाना वेदर है, क्या बोलूँ, इतना अच्छा वेदर है ना, मज़ा ही आ रहा है बाइक चला के। एंड फर्स्ट टाइम मतलब जो है KTM को लेके पहाड़ में आज आया हूँ, 5 महीने हो गए इस बाइक को लिए हुए, लेकिन अभी तक जो है मौका नहीं मिला था इसको पहाड़ में चलाने का। एंड कहीं भी अभी तक मैंने इसके साथ राइड नहीं किया है, सिर्फ यही सिलीगुड़ी के आसपास। एंड इस बार जो है स्कूटी मैंने यहीं सिलीगुड़ी में रख दिया और बाइक लेके जा रहा हूँ। तो आपको भी मतलब बाइक अचानक से सोच रहे होंगे आप भी, ये एंटॉर्क में वीडियो बनाता था एंड बाइक अचानक से कहाँ पर आ गया KTM एडवेंचर, तो ये एडवेंचर तो पता ही आपने, मैंने लिया था जुलाई में, तो मतलब यहीं पर रखा हुआ था क्योंकि ज़्यादातर तो रहता हूँ मैं सिक्किम में, तो अब सिलीगुड़ी में रख के जाना पड़ता है। सिक्किम में आपको पता ही है गैंगटॉक में पार्किंग का प्रॉब्लम है, तो इसलिए ले नहीं जाता हूँ एट अ टाइम, एक ही बाइक ले जा सकता हूँ या स्कूटी ले जा सकता हूँ, तो बाइक लेके जा रहा हूँ अभी मैं। मैं आपको अपडेट वगैरह बताता हूँ। तो अभी जो है सबसे लेटेस्ट अपडेट, सबसे पहले तो वेदर, अभी का वेदर अभी के टाइम में जो भी आ रहा है आपको एक नंबर मिलने वाला है, एकदम फुल सनी डे, एकदम मतलब क्लियर डे होता है ना जो विंटर वाला क्लियर डे हिल्स का, वो मिलने वाला है। एंड बहुत ही अच्छा वेदर, रोड्स वगैरह सारा कुछ सुधर चुके हैं। अभी NH10 में थोड़ा बहुत जाम मिल सकता है आपको, थोड़ा बहुत, या क्योंकि अभी जो है कुछ कुछ जगह में वन वे है, तो क्या होता है कि एक तरफ का ट्रैफिक पहले छोड़ते फिर दूसरे तरफ का ट्रैफिक छोड़ते। तो ये है NH10 का कंडीशन अभी के टाइम में, अगर आप आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा ख़राब सेक्शंस मिल सकता है। एंड देख ही पा रहे वाइडनिंग का काम एकदम चालू है गैंगटॉक NH10 में जो सिलीगुड़ी से सिक्किम को कनेक्ट करता है, और मतलब अभी सब कुछ फ्लड्स के बाद जो है अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है एंड मतलब काम भी चालू है। तो आने वाले दिनों में ये जो ऑफ रोडिंग वगैरह देख रही है अभी फुल्ली टारमैक मिलेगा आपको, ये सारा जगह, ये जितना भी आप देख रहे हैं अभी ऑफ रोडिंग वगैरह, ये वॉशआउट वाला जगह था, मतलब फ्लड में एकदम इसका कोई नामो निशान नहीं था। तो अभी मतलब आप देख पा रहे कि काफ़ी हद तक मतलब इसमें ट्रैफिक ईजिली मूव हो रहा है। जगह का नाम है गेलखोला, जो मैं बोल रहा था आपको, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब रोड को डैमेज हुआ था, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन जो है वॉश आउट हुआ था। तो यहाँ पे तो ये वाला जगह देखिए, यहाँ पे बिल्कुल मतलब बह ही चुका था एकदम ये रोड, चलिए अभी मैं इसके बाद तीस्ता ब्रिज में रुकता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ तीस्ता का लेवल क्या था एंड क्या है अभी का सिचुएशन तीस्ता में। और ज़्यादा कुछ तो है नहीं इस व्लॉग में, ऐसे रास्ते में चलना है, व्यूज़ वगैरह दिखाना है। अभी हम तीस्ता ब्रिज में रुकते हैं थोड़ी देर,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इस जगह पे रुकते हैं एकदम मिडल में। तो ये चलिए उतरते हैं तीस्ता ब्रिज में। एंड ये है तीस्ता जिसने उग्र रूप लिया था कुछ महीनों पहले। एंड अभी का वैली का व्यू ये है, देख ही पा रहे हैं मार्किंग, ये जो मतलब रेत कटा हुआ दिख रहा है उस लेवल तक पानी था। एंड इस तरफ है तीस्ता बाजार, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि नहीं गोप्रो में, या फिर मोबाइल से जूम करना होगा। ये सारा मतलब मिट्टी के अंदर आ गया था, ये सारा कीचड़ एंड जितना भी मलबा है ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी स्लैब, इसके नीचे भी एक स्लैब था घर का, लेकिन अभी वो जो है पानी के लेवल पे आ चुका है। एंड घर वगैरह देखिए, मतलब आप मिट्टी जो है पूरा एकदम किस लेवल तक, ये पूरा रोड तो कवर ही हो गया था। ये जो दार्जिलिंग वाला रोड देख रहे हैं आप, ये दार्जिलिंग को जाता है, लेकिन ये पूरा मिट्टी के अंदर पानी के अंदर था। एंड इस ब्रिज के मतलब वो पिलर कैप को छूने वाला था वो पानी, अभी कितना नीचे है सोचिए। ये सारा घर वगैरह जितना भी था इस तरफ, ये सारा पानी के अंदर था। उस तरफ आप देखेंगे कितना मतलब पानी राइज हो गया था, एकदम मिट्टी का ढेर वगैरह लगाया हुआ है अभी भी मतलब घरों से वो मिट्टी निकला नहीं है, इतना ज़्यादा मलब। एक बार मोटो व्लॉगिंग मोड से मुझको आना पड़ा अपने होटल के रूम में, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग करते हुए कुछ डिटेल्स जो मैंने कैप्चर किए थे अपने गोप्रो में, तो उसका ऑडियो में जो है थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। तो अभी का जो नॉर्थ सिक्किम सबसे ज़्यादा जो इंक्वायरी है, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लोग पूछते हुए हैं नॉर्थ सिक्किम। तो आप लोगों को तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि नॉर्थ सिक्किम जो है खुल चुका है, लेकिन नॉर्थ सिक्किम में सिर्फ जो है अभी लाचुंग साइड खुला है, लाचुंग युमथांग लाचुंग, वो भी उसका परमिट आपको मिल रहा है 2 नाइट 3 डेज़ के लिए। तो 2 नाइट 3 डेज़ में आप गैंगटॉक से लाचुंग जाएंगे, लाचुंग युमथांग घूमेंगे एंड फिर युमथांग से गैंगटॉक वापस आएंगे। लाचुंग साइड जो है अभी फुल्ली ओपन्ड है एंड दिसंबर के टाइम में अच्छा खासा स्नोफॉल भी लाचुंग में होता है। युमथांग बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है, युमथांग वैली आपने सुना होगा, एंड युमथांग में आपको स्नोफॉल मिलता है। फिर युमथांग से ऊपर है 0 पॉइंट, तो वो भी है। एंड ये सारे स्नोफॉल वाले जगह है, जो भी लोग मतलब नॉर्थ सिक्किम आगे गए हैं उनको पता होगा, या फिर नहीं गए हैं तो एक बार जो है नॉर्थ सिक्किम जाना ज़रूर बनता है। और रेस्ट अभी नॉर्थ सिक्किम के अलावा आपको स्नोफॉल मिलता है छांगू लेक, बामंदी, नाथुला पास में। तो अभी तक जो है थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ था अक्टूबर के टाइम में, नवंबर के टाइम में थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन उस लेवल का स्नोफॉल अभी भी नहीं हुआ है जहाँ पे मतलब सारा कुछ सफ़ेद हो जाए एकदम, उस लेवल का स्नोफॉल नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि मतलब स्नोफॉल काफ़ी होगा, क्रिसमस के टाइम में भी हो सकता है, या फिर आगे जनवरी मिड मतलब कभी भी हो सकता है, क्योंकि अब विंटर आ ही चुके हैं। तो आपको छांगू लेक, बाबा मंदिर, इस सिक्किम में आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। अलावा अगर आप लोग बाइक से मतलब घूमना चाहते हैं गैंगटॉक में, लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं, छांगू लेक, बाबा मंदिर जाना चाहते हैं, तो बाइक रेंटल्स भी मेरे पास अवेलेबल है एंड परमिट्स वगैरह सारा कुछ मेरे पास आप करवा सकते हैं, मैं आपको रेडी करके दूंगा। बाइक्स वगैरह के प्राइसेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ मैं आपको सारा डिटेल शेयर कर दूंगा, बाइक के प्राइजेस, परमिट्स के प्राइजेस, कितना उसका मतलब ये रहेगा, चार्ज रहेगा, कितने दिन के लिए रहेगा, सारा कुछ मैं बता दूंगा आपको। एंड ज़्यादा कुछ इस वीडियो में है नहीं, अब चलिए कंटिन्यू करते हैं, वापस पहुंच जाते हैं हम तीस्ता ब्रिज में। काफ़ी गर्मी लग रहा था तो यहाँ पे मतलब शेड में बाइक को खड़ा करके शेड में रुका हूँ। दोपहर के टाइम में भी, विंटर के टाइम में भी इतना मतलब गर्मी लग रहा है, क्या बताऊँ, विश्वास नहीं हो रहा है कि विंटर आ चुका है। लेकिन जैसे ही शाम होगा पता है आपको कि नज़ारा बदलने वाला है। एंड ये है साइड व्यू तीस्ता का, तो जो भी लोग देख पा रहेंगे होंगे इधर इधर कितना सारा मिट्टी मतलब जमा हुआ है। दोस्तों ये ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे, सारे अपडेट्स वगैरह इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे आपको जितने भी है नॉर्थ सिक्किम के रिगार्डिंग। एंड जो भी लोग नंबर में आ रहे हैं, तो अगर उनको एकोमोडेशन होटल चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके भाई का अपना होटल है जैसे कि मैंने फर्स्ट में बोला, स्टार्टिंग में बोला। एंड गैंगटॉक के एकदम सिटी सेंटर में है, एम जी रोड से 1 मिनट का डिस्टेंस। और भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इस, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है तो यहाँ पे नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे मुझे आप कांटेक्ट करके अपना रूम वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। टिल देन दिस इज दीपू साह साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।